हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा सैमसंग गैलेक्सी F14 5G फ़ोन है, तो सैमसंग गैलेक्सी F14 5G फ़ोन के फाइल ऑप्शंस पे जाकर, जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि फाइल ऑप्शंस पे जाकर फ़ोटो एंड वीडियोस को आप हाइड कैसे कर सकते हैं फाइल ऑप्शंस पे जाकर, और फोटोज़ एंड वीडियोस को कैसे छिपा सकते हैं फाइल ऑप्शंस में, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि फ़ोटो वीडियोस को हाइड कैसे कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी F14 5G फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो सिंपली आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। सिंपली आपके पास फाइल ऑप्शंस आ गया है, तो फाइल ऑप्शंस पे जाकर जो भी आप फोटोज़ को हाइड करना चाहते हैं या छिपाना चाहते हैं तो छिपा सकते हैं। सिंपली इमेज गैलरी पे जाना है, पे जाते ही आपके पास ये ऑप्शन आ गया है, जहाँ से मूव टू सेव फोल्डर कर देना। आपको थ्री डॉट पे जाकर मूव टू सेव फोल्डर करते ही पासवर्ड डाल देना है। तो पासवर्ड डालते ही देखते हैं कि जो भी हमारी फ़ोटोज़ हमने सेलेक्ट कर रखी थी वो हाइड हो चुकी हैं और छिप चुकी हैं, जो हमारी फाइल में शो नहीं करेंगी क्योंकि हमने उनको हाइड कर दिया है। तो इस तरीके से फ़ोटोज़ को आप हाइड कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में वीडियो वगैरह भी है तो आप वीडियोज़ को भी हाइड कर सकते हैं सेलेक्ट करके इस तरीके से, और छिपा सकते हैं। तो इस तरीके से आप फोटो वीडियोस को छिपा सकते हैं फाइल ऑप्शंस में। तो आप इनको कैसे शो कर सकते हैं और देख सकते हैं, तो सिंपली आपको सेव फोल्डर पे जाना है, पासवर्ड डाल देना है, और पासवर्ड डालते जो भी आपने फ़ोटोज़ को हाइड कर रखा है शो हो जाती हैं, या फिर किसी भी फ़ोटोज़ को आप डिलीट भी करना चाहते हैं प्राइवेट फ़ोटोज़ को, तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। एंड आप इनको वापस गैलरी में शो करना चाहें तो गैलरी में भी शो कर सकते हैं, और आपके वापस फ़ोन गैलरी में शो हो जाएंगी। तो इस तरीके से फोटो एंड वीडियोस को हाइड कर सकते हैं फाइल ऑप्शंस में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।